हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हियर इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई विल टीच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th एंड द टॉपिक इज सबलिमेशन। आज हम लोग ना सबलिमेशन पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक लेवल पर तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, सबलिमेशन। एक्चुअली सबलिमेशन होता क्या है? तो सबलिमेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर जाए या कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए बिना लिक्विड स्टेट आए हुए। देखिए समझाते हैं। अगर कोई सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, सपोज दैट कोई भी सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है किसमें, गैस में, कब, जब हम उसको हीट करते हैं। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट सोचिए, वाइस वर्सा। अगर मान चलिए कोई गैस कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सॉलिड में, कब, जब हम उसको कूल करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है। अगर कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट किया हीट करने पर, उसी का जस्ट उल्टा, अगर कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट किया कूल करने पर, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को सबलिमेशन कहेंगे। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, इट मींस गैस, ऑन हीटिंग, एंड द गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। सच प्रोसेस आर कॉल्ड सबलिमेशन। तो इसी प्रोसेस को सबलिमेशन कहते हैं। मतलब ये कि सबलिमेशन में लिक्विड स्टेट नहीं आता है। जनरली क्या है कि अगर हम किसी सॉलिड को, इन जनरल कंडीशन, अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े हैं कि अगर किसी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो सॉलिड से क्या बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है पहले। फिर जब हम लोग लिक्विड को फिर अगर हीट करेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, तब जाकर के बनेगा गैस। क्लियर हुआ? तो जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तब जाकर के बनेगा गैस। तो कितना अजीब बात है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड, फिर लिक्विड को हीट किए तो क्या बना, गैस। लेकिन सबलिमेशन में क्या है कि डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन गया आपको, सबलिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन गया। डे टू लाइफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, गैस को पहले कूल कीजिएगा तो लिक्विड, लिक्विड को फिर कूल कीजिएगा तो सॉलिड। लेकिन सबलिमेशन में क्या है कि डायरेक्टली गैस से क्या बन जाता है, सॉलिड। मतलब बीच का ये लिक्विड स्टेट सबलिमेशन में नहीं आता है। बस यही है सबलिमेशन। समझ में आ गया सबको? लेकिन अब यहां पर दो चार चीज है। पहला बात तो सबलिमेशन होता किसमें है? तो सबलिमेशन दुनिया के हर एक चीज में नहीं होता है। अगर मैं आइस को हीट करूं और ये सोचूं कि डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें बीच में लिक्विड स्टेट आएगा, भले हमको ना दिखे बट वो आएगा जरूर। कुछ चीजें हैं जिसमें सबलिमेशन होती हैं। आप एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिख सकते हैं सबलिमेशन किसमें किसमें होगा। सबलिमेशन होगा आपको ड्राई आइस में। क्या? ड्राई आइस। एक्चुअली ड्राई आइस आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो ड्राई आइस इट मीन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में सबलिमेशन होगा। वो आप देखते होंगे ना स्टेज शोज जो होते हैं, तो आप शोज सब में देखिएगा, स्टेज सब पे देखिएगा, सिंगर जो सॉन्ग वॉन्ग गाते हैं या कोई आर्टिस्ट उस पर कोई प्ले कर रहे होते हैं, तो आप देखते होंगे स्टेज वगैरह पूरा धुआं धुआं हो जाता होगा। या किसी हॉरर मूवी में या किसी सीरियल में आप देखे होंगे का एक धुआं सा हो जाता होगा। आखिर वो धुआं किससे करते हैं? वो लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्टेज के कॉर्नर पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इट मीन्स ड्राई आइस। अब उसे छोड़ दिया जाता है, ये धीरे धीरे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद कन्वर्ट कर जाता है किसमें, गैस में। और उस गैस की वजह से पूरा स्टेज प्लेटफॉर्म क्या होता है, धुआं धुआं हो जाता है। आया मेरा बात समझ में? सिमिलरली सबलिमेशन आपको होता है नेपथेलीन में। आप नेपथेलीन बॉल देखते होंगे, एक्चुअली NCERT बुक का क्वेश्चन है, व्हाई नेपथेलीन बॉल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम व्हेन वी केप्ट इन अल्मीरा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है NCERT बुक में कि नेपथेलीन बॉल डिसअपीयर क्यों हो जाता है। एक्चुअली नेपथेलीन बॉल छोटा छोटा बॉल होता है, वो आपको इंसेक्ट को किल करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसको स्वेटर में, अलमीरा में, कहीं भी डाल दीजिएगा ना, तो दो चार दिन के बाद, दो चार दिन तो नहीं, लगभग लगभग एक आध हफ्ते के बाद नेपथेलीन बॉल क्या होगा, गायब हो जाएगा। नेपथेलीन बॉल कहां चला जाता है? एक्चुअली नेपथेलीन बॉल ना वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। समझ में आया? नहीं, क्लियर हुआ? तो नेपथेलीन बॉल कन्वर्ट कर जाता है किसमें, वेपर में। जैसे अगर ड्राई आइस को दो चार दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो पूरा सॉलिड गैस बन के उड़ जाएगा। आया ना मेरा बात समझ में? तो नेपथेलीन बॉल में सबलिमेशन होता है। ओके, उसी तरह आयोडीन सॉलिड, आयोडीन में भी आपको क्या होता है, सबलिमेशन होता है।
उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का आपने नाम सुना होगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होता है। आपने कैम्फर के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग कपूर भी कहते हैं। कैम्फर में सब्लिमेशन होता है, कपूर को अगर आप हीट करोगे तो वो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाएगा किस में, गैस में, अगर वो ओरिजिनल कैम्फर होगा तो। क्लियर हुआ? तो बेसिकली यही बात कि सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट कर गया गैस में हीट करने पर, और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट कर गया सॉलिड में कूल करने पर। समझ में आया? हाँ, यहां पर एक चीज है, जो सॉलिड गैस में कन्वर्ट करता है हीट करने पर, उसको हम लोग कहते हैं सबलाइम। एक्चुअली सब्लिमेशन दो स्टेज में बटा हुआ है, सबलाइम एंड सब्लिमेट। सब्लिमेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सबलाइम एंड सब्लिमेट। तो सुनिए, अगर कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट कर रहा है, व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, सच आर कॉल्ड व्हाट, सबलाइम। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबलाइम कहेंगे। ओके, अब उल्टा सोचिए, व्हेन अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेट। तो सबलाइम और सब्लिमेट सब्लिमेशन का ही पार्ट है। तो अगर कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट कर रहा है तो कहेंगे सबलाइम, अगर कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको कहेंगे सब्लिमेट। और सबलाइम सब्लिमेट किसका पार्ट है, सब्लिमेशन का पार्ट है। क्लियर हो गया? यहां पर एक सवाल है कि सब्लिमेशन में गैसीय लिक्विड स्टेट क्यों नहीं आते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या कि मान के चलिए कि ये सॉलिड का पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल तो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं ना, तो सब्लिमेशन जिस सबस्टांस में होते हैं ना, तो हम उसको हीट कर रहे होते हैं, तो उस सबस्टांस को जब हम लोग हीट करते होते हैं तो उसके पार्टिकल इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी जैसे मिलता है पार्टिकल एकदम एक्सपोज कर जाते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, अगर सॉलिड है इसको हीट किए, अगर लिक्विड बनने का होता तो ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे क्या होता, हट जाता, और गैस बनने का होता तो क्या, पार्टिकल एकदम फार अपार्ट चला जाता, एकदम दूर दूर चला जाता। तो होता है क्या, जिस सबस्टांस में सब्लिमेशन होता है उस सबस्टांस के पार्टिकल इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जब उन्हें हीट करते हैं ना, तो पार्टिकल एकदम एक तरीके से ब्लास्ट जैसा होता है, पार्टिकल एकदम भाग जाता है। तो मतलब ये वाला स्टेज तो आएगा नहीं, जैसे हीट, जैसे मान के चलिए दो चार पांच लोग अरेंज है क्लास में, वो स्टूडेंट है, बहुत ही बदमाश बच्चा है, टीचर के प्रेजेंस में शरीफ की तरह बैठा हुआ है, टीचर जैसे गए बच्चा तुरंत इधर उधर भाग गया। बस ऐसा ही कुछ होता है सब्लिमेशन में, सॉलिड को हीट किए, हीट करते मात्र जो पार्टिकल है तुरंत क्या होता है, एक्सपोज हो जाएगा, एकदम फैल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो गैस ही बन जाएगा ना। अगर पार्टिकल कुछ इस तरीके से हटता कि थोड़ा थोड़ा करीब रहता तो कम से कम लिक्विड रहता ना, लेकिन पार्टिकल क्या होगा, एकदम एक्सपोज हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपको गैस बन जाएगा। सिमिलरली अगर कूल करेंगे ना तो पार्टिकल क्या होगा, तुरंत एकदम करीब आ जाएगा। ऐसा कुछ होता है सब्लिमेशन में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।